अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, जैसे कि वीडियो के टाइटल से आपको पता चल गया है कि आज की वीडियो मोबाइल के फिंगरप्रिंट के बारे में है। तो मोबाइल का फिंगरप्रिंट, अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि मोबाइल का फिंगरप्रिंट सही से काम नहीं कर रहा। तो मोबाइल का फिंगरप्रिंट फ़ौरन अच्छे तरीके से काम करने लगता है, उसके लिए एक ट्रिक है। और यह ट्रिक जो बैक पे फिंगरप्रिंट होता है उसके लिए भी, और जो स्क्रीन पे होता है उसके लिए भी कारआमद है। तो सबसे पहले मेरे ये चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस आपको मिल सकें और आप मेरी वीडियो से ज़्यादा ट्रिक्स और फ़ायदा हासिल कर सकें। चलो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले आपने जाना है सेटिंग में, सेटिंग के बाद आपने चला जाना है पासवर्ड्स या प्राइवेसी। आपके मोबाइल में प्राइवेसी पासवर्ड होगा, मेरे मोबाइल में पासवर्ड और बायोमेट्रिक है। तो इसको बायोमेट्रिक ओपन करेंगे और इसमें ऐड फिंगरप्रिंट पे जाएंगे। ऐड फिंगरप्रिंट के बाद आप कोई भी पासवर्ड अपने मोबाइल पर लगा सकते हैं। मैंने जो लगाया हुआ है मैं वो टाइप कर देता हूँ। उसके बाद ये खुल गया फिंगरप्रिंट। फिंगरप्रिंट अपनी एक फिंगर, कोई भी अपनी फिंगर ऐड करें इसमें, तो ये थोड़ा सा टाइम लगेगा इस फिंगर ऐड होने में। हर तरह से पूरे फिंगर को इसमें ऐड करना, अपने दोनों तीनों साइड से, चारों साइड से अपने फिंगर को ऐड करना है। और ये फिंगर तकरीबन मेरा आप ऐड हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने इसी में बैक जाना है और दोबारा इसमें फिंगर, एक और फिंगर ऐड करनी है। अपनी वही वाली फिंगर आपने दोबारा इसमें ऐड कर देनी है। और जब ये दो फिंगर्स आपके मोबाइल में ऐड हो जाएंगी तो आपके मोबाइल की वर्किंग तेज़ हो जाएगी और आपकी फिंगर एक्यूरेट मोबाइल कैप्चर कर लेगा। और फिर आप मोबाइल में वो लगाएंगे फिंगर तो उसी टाइम आपका मोबाइल आपकी फिंगर को क्लिक करेगा और आपका लॉक अनलॉक हो जाएगा। ये फिंगर लगाने के बाद मैं आपको एक डेमो दिखाऊंगा अपने मोबाइल को लॉक करके ओपन। ये देखें जी, मेरी फिंगर दोनों ऐड हो गई हैं। अब मैं इसमें लॉक लगाऊंगा और दिखाऊंगा आपको कि कितनी जल्दी ये मोबाइल ओपन होता है इसका लॉक। तो ये देख लें,